हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एकेलिफा इंडिका के बारे में। दोस्तों ये श्रृंखला है जिसमें हम कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर एन सी घोष की पुस्तक से जो भी मेडिसिन है वो हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों तो इसी कड़ी में ये मेडिसिन है एकेलिफा इंडिका, आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और दोस्तों मैं इसकी बात आपसे करूंगा, इसमें आपको जितने भी इसके सिम्टम्स हैं, किन किन जगहों पे काम करती है, इसके कौन कौन से मुख्य मुख्य लक्षण हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले मैं ज़रूर कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको इसको इसके जितने भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एकेलिफा इंडिका भारत देश के मुक्तावर्षी के पत्तों से तैयार होती है। यह धीमा बुखार, दिनों दिन शरीर का दुबला होते जाना, खांसी, खून मिली खांसी, यक्ष्मा या जिसे टीबी कहते हैं, और फेफड़े से रक्त स्राव में ही अधिक व्यवहित होती है, ज़्यादा उसी समय इसका यूज़ किया जाता है। खांसते खांसते बलगम के साथ रक्त निकलना, वक्षस्थल में दर्द रहना, खांसते खांसते टीबी के रोगियों की खांसी का रात को बहुत बढ़ जाना, इनमें इससे विशेष लाभ होता है। एकेलिफा में खून का रंग चमकीला लाल या कुछ काला रंग लिए होता है। उसके साथ ही रोगी को स्वर भंग भी रहता है, सवेरे पतला ताजा रक्त और तीसरे पहर काला थक्का थक्का रक्त निकलना भी इसका एक दूसरा लक्षण है। दोस्तों इसके साथ में एक और मेडिसिन है जिसको बोलते हैं जिरेनियम मैकुलेटम, इसमें भी ये सिम्टम पाया जाता है। और आपको दोस्तों एकेलिफा इंडिका के साथ में जिरेनियम मैकुलेटम के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में भी आपको हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जिरेनियम मैकुलेटम रक्तोत्काश यानी खून मिली खांसी जिसको बोलते हैं, और रक्त वमन या खून की कै इंग्लिश में इसको हीमोप्टाइसिस एंड हिमेटिमेसिस कहते हैं। इसमें साधारणतः एकेलिफा, एकोनाइट, एपिकाक, आर्निका, हेमामेलिस, मेलिफोलियम, आर्सेनिक, बेलाडोना, चाइना, फेरम, कार्बोवेज, क्रोकस, फास्फोरस, सिकेल इत्यादि औषधियां लाभदायक होने पर भी जब किसी दवा से फायदा न दिखाई दे या अस्थायी लाभ न हो तो इसका मूल और यानी मदर टिंचर 10 से 30 बूंद तक की मात्रा में रोग की तेजी के अनुसार 3 दिन में 3 से 4 बार 4-4 घंटे का अंतर देकर के प्रयोग करने पर कभी कभी जादू के मंत्र की तरह बीमारी घट जाती है। दोस्तों ये बात हो रही है जिरेनियम मैकुलेटम के बारे में। पाकस्थली का जख जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं और बच्चों के अतिसार में भी यह लाभ करती है। डॉक्टर एच आर आरंडे के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नामक ग्रंथ में सिंपल अल्सर्स ऑफ द स्टमक अध्याय के अंतिम भाग में हिमेटिमेसिस नामक जो परिच्छेद लिखा है उसके अंत के लाइनों में लिखा है, इट हैज बीन अफर्म्ड दैट जिरेनियम मैकुलेटम गिवेन इन हाफ ड्राम डोजेज रिलीव्स व्हेन ऑल अदर मेडिसिंस फेल्ड। अर्थात यह देखा गया है कि आधे ड्राम की मात्रा में जिरेनियम मैकुलेटम का प्रयोग उस समय रोग की तकलीफ घटा देता है जब किसी दूसरी दवा से लाभ नहीं होता है। डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपनी मटेरिया मेडिका में जिरेनियम मैकुलेटम अध्याय में शुरू में ही लिखा है, प्रोफ्यूज हेमरेजेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स वोमिटिंग ऑफ ब्लड, अर्थात भिन्न भिन्न यंत्रों से बहुत अधिक रक्तस्राव, खून की कै आदि, चाहे वह पाकस्थली के जख्म से हो, पाकस्थली से हो या फेफड़े से थोड़ा हो या अधिक, मुंह से बार बार वेग से चमकीला रक्त निकलकर रोगी का मृत्युकाल भी यदि आसन्न आ गया हो तो भी समय पर इसका प्रयोग होने से रक्त बंद होकर जल्द ही रोगी पुनर्जीवन प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें रहीं जिरेनियम मैकुलेटम के बारे में। अब बात करते हैं रक्त वमन और रक्तोत्काश में।
जिरेनियम मैकुलेटम शीर्षक एक निबंध एक मृतप्राय रोगी की मैंने स्वयं जिस तरह चिकित्सा की थी उसके पूरे पूरे इतिहास के साथ इस सूत्र के अनुसार जिरेनियम का मैं रक्तस्राव में पहले पहल व्यवहार करता हूँ और किस तरह जिरेनियम आज रक्तस्राव की पेटेंट दवा की तरह होम्योपैथिक में प्रचलित हुई। इसका पूरा पूरा विवरण होम्योपैथी के श्रेष्ठ बांग्ला मासिक पत्र हैनीमैन में छपा है। एकेलिफा में सवेरे ताज़ा रक्त और संध्या में कालापन लिए छीछड़ा रक्त निकलता है। इसकी खांसी सूखी और खांसी के बाद जो बलगम निकलता है उसके साथ रक्त रहता है। यह है एकेलिफा इंडिका के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं अतिसार और आमाशय, इसमें क्या सिम्टम पाया जाता है। एलोज की भांति एकेलिफा में भी बदबूदार वायु निकलने के साथ आवाज़ के साथ पतला मल बड़े वेग से निकलता है। तलपेट से नीचे की ओर इस तरह का दर्द होता है मानो पेट की नस नाड़ियाँ बाहर निकल पड़ेंगी। पेट गड़गड़ाता है, पेट में आवाज़ होती है, पेट फूलता है और पेट में मरोड़ का दर्द होता है। मल द्वार से भी रक्त स्राव होता है। रेक्टल हेमरेज और रक्त सवेरे ही अधिक निकलता है। इसका चर्म रोग पे जो लक्षण है, चर्म रोग पर छोटे छोटे फोड़े की तरह दाने निकलते हैं और वे चकत्ते की तरह फूल उठते हैं और बहुत खुजलाते हैं। ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, मुक्तावर्षी के पत्तों को दोनों हाथ से मसल कर उसे स्लेट की पेंसिल की तरह मोड़ा और 1.5 इंच लंबा बनाकर मलद्वार के भीतर दबाकर घुसा देना चाहिए। इससे हाल ही हाल पखाना हो जाता है। यानी दोस्तों अगर इसको क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो यह स्टूल को पास करने में बहुत आसान हो जाता है। इसकी वृद्धि रोग लक्षण सवेरे के समय बढ़ते हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं एसिटिक एसिड कालीनैटिकम मेलिफोलियम आर्निका एपिका फास्फोरस के साथ में। इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है दोस्तों वो मदर टिंचर 2x 3x या 6 या 30 पोटेंसी, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लो पोटेंसी में है या मदर टिंचर फॉर्म में है तो इसको 10 बूथ सुबह दोपहर शाम या 15 बूथ सुबह दोपहर शाम, डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है बीमारी की उसके आधार पर। और 30 पोटेंसी में है या 6 पोटेंसी में है तो इसको दिन में 3 बार या 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एकेलिफा इंडिका के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार करने की गुंजाइश है तो ज़रूर उसके बारे में कमेंट करें दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में इसके आगे की मेडिसिन के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।